हेलो गाइस, मैं हूं विक्की, आपका स्वागत है मेरी नई एक और वीडियो में। तो आज हम आए हैं आपके पास भाई एक और ओनरशिप रिव्यू लेके, BMW X1 S Drive। भाई ये है 2011 मॉडल। तो भाई आप देखो 10 साल के बाद भाई गाड़ी, मतलब कि क्या इसकी कॉस्ट वगैरह पड़ती है सब आज हम भाई इनके ओनर से जानेंगे। तो भाई जतिन इस गाड़ी के ओनर है, मतलब भाई इनके बड़े भाई की गाड़ी है। तो भाई आपका वेलकम टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। तो भाई क्या कहोगे भाई, गाड़ी ले रखी इतनी महंगी, पहले तो इसका मॉडल बता दो कौन सा है। ये है X1 S सीरीज 2011 भाई, 2011 X1 सितंबर की, 2011 की सितंबर 2011 की भाई ये गाड़ी है, BMW X1 ब्लैक कलर में। तो भाई एक बार बताओ यार, ब्लैक कलर में गाड़ी आपने क्यों ली भाई ये? देखो सबसे एक एलिगेंट कलर सा जो लगता है ना, जो रिफ्लेक्स करता है एकदम, आप जा रहे हैं सब देखें। व्हाइट कलर में नॉर्मली सभी लेते हैं, BMW वगैरह, मर्सिडीज हो गई, सब ये व्हाइट कलर में तो मोस्टली चलती हैं, पर कुछ डिफरेंट भी ट्राई करना चाहिए एक एलिगेंट सा, तो ब्लैक कलर फिर उस टाइम सोचा हमने। तो भाई आपको पता है जैसे भाई बहुत मेंटेन रखना पड़ता है कलर, तो भाई कुछ मेंटेन इसमें भाई, कोई सेरेमिक कोटिंग वगैरह कुछ PPF करवा रखा भाई? नहीं, उस टाइम तो कुछ था नहीं, ऐसा आया नहीं था कि सेरेमिक कोटिंग वगैरह, ये तो अभी 2 साल से चलने लगे हैं, तो फिर उस टाइम कराई नहीं थी। तो भाई आप अब इसे बेचने की सोच रहे भाई, ये डीजल में है पेट्रोल में भाई, ये तो बताए नहीं। डीजल वेरियंट है यार इसका, मतलब तो अब भाई ये खत्म हो जाएगा इसीलिए अब इसे बेचने की सोच रहे हैं, मतलब देखते हैं फिर कोई और, अभी किया वगैरह जो आ रही है नहीं तो उनमें अच्छा। शायद देखें। अच्छा तो भाई ये एक्स ड्राइव 20D जी। तो भाई गाड़ी यार आपने तो पूरी चला ली, आपने कितनी चला ली भाई गाड़ी? ये चला ली हम तो, ये भाई 130,000 के आसपास हम चला चुके हैं अब तक। तो भाई देखा जाए तो यार 130,000 तो कुछ नहीं चली भाई ये। अब घर में और भी गाड़ियां हैं तो कम ही चला पाते हैं, तो मतलब यार एक बेसिकली शौक के लिए रख रखे गाड़ी, यही लगा लो कुछ, मतलब देखी जाए तो भाई 130,000 तो इसके लिए कुछ नहीं है अभी तो। इसकी रनिंग ज्यादा हमारे लिए कॉस्टली पड़ सकती है, तो इसलिए हम दूसरी गाड़ी है जो उसका यूज ज्यादा करते हैं ज्यादा अच्छा। रनिंग के लिए। तो भाई सबसे एक ज्यादा क्वेश्चन है भाई कि जो इन गाड़ियों को रखते हैं भाई वो काम क्या करते हैं? काम तो क्या है भाई, खुद का बिजनेस है अपना। अच्छा भाई, डीलरशिप का काम है। अच्छा भाई, डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर। तो भाई प्रॉपर्टी डीलर ही रख सकते हैं भाई आज के टाइम पे, इतनी भाई महंगी महंगी गाड़ियां। तो भाई इसमें मेरे को लग रहा है जैसे यार अलॉय व्हील का शायद चेंज कराया हुआ है कलर, या अलॉय व्हील चेंज है भाई इसके? नहीं, अलॉय व्हील जो स्टॉक ही आए थे ये ब्लैक ही लिए थे हमने। अच्छा, ब्लैक ही स्टॉक में आए थे भाई। हाँ। इस टाइम तो भाई गाड़ी वैसे यार अब तक कोई इसमें मतलब कहीं से कोई रिपेंटेड वगैरह, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ मेरे को गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं दिखाया। गाड़ी रिपेंट नहीं है, मेंटेन अच्छे से करी गई है, बस इसकी जो सनरूफ है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, जो इसका सनरूफ में जो इशू आ रहा है थोड़ा ना। अच्छा भाई, उस चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मतलब यार इतनी महंगी गाड़ी में 10 साल चलगी, थोड़ा बहुत तो आ ही जाता कुछ ना कुछ। हाँ, वो तो है। वैसे गाड़ी भाई देखी जाए तो फुल मेंटेन्ड कर रखी है भाई ने, वो तो अब बारिश का मौसम थोड़ा चल रहा है तो इसलिए गंदा। तो भाई अब आप इसको बेचना चाहोगे? हाँ, इसको बेचना चाहेंगे। कितने भाई? 10 साल की एज इसकी हो गई है, तो फिर उसके बाद हमारी तो कुछ काम की रहेगी नहीं है दिल्ली NCR में, तो इसको निकालेंगे, पंजाब साइड जाएगी भाई अब तो, ये तो राजस्थान या पंजाब ही जाएगी। अच्छा भाई, तो भाई जो इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ती है भाई वो क्या पड़ती है आपने, क्योंकि भाई आपने पूरी गाड़ी रखी है तो भाई आपके शुरुआत में सर्विस कॉस्ट है वो जो अप्रोक्स पड़ती है 30,000 से 35,000 के बीच, जो बेसिक होती है इसकी, मतलब बेसिक जिसमें बस इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, और अगर जैसे इसमें डिस्क हुए हैं, चारों डिस्क हैं, तो अगर उसके डिस्क पैड वगैरह चेंज होती हैं तो उसमें थोड़ी और महंगी पड़ जाती है, तकरीबन 55 के आसपास ही पहुंच जाती है। तो अच्छा, 50-55 ज्यादा ही चली जाती है उससे। आज तक वैसे कोई मेजर इशू आया है? नहीं, मेजर इशू कोई नहीं आया। अगर भाई आपने ये भाई सनरूफ में क्या हो गया भाई, सनरूफ का बताओ आप मेरे को। सनरूफ में क्या हुआ कि एक रैली थी, हाँ, तो उसमें गए थे भाई, हाँ, और एक दोस्त था उनका, वो उसपे उस ज्यादा जोर दे दिया सनरूफ पे, अब वो वर्क नहीं कर रही है अच्छे से, मोटर पे दिक्कत आ गई। हाँ, और इसका क्या खर्चा है भाई? अब इसका अभी जाएंगे सर्विस सेंटर तो पता चलेगा, अभी कोई अंदाजा लिया नहीं है। अच्छा भाई, इसका तो मोटा ही खर्चा बैठेगा वैसे भाई, देखा जाए BMW है, ब्रांड की बात है। तो अंदर से भाई देखते हैं गाड़ी, वैसे तो अंदर से भी वेल मेंटेन्ड लग रही है भाई गाड़ी, तो भाई जो BMW में अंदर आती है ना ये आवाज आती है ना बड़ी मस्त लगती है यार। देखो उस टाइम में बताओ भाई, इसमें ऑटोमेटिक सीट्स आती थी,
तो भाई आ जाओ। तो भाई ये माइलेज वगैरह क्या निकाल देती है भाई गाड़ी? माइलेज ये सिटी में अप्रोक्स 10 से 11 दे रही है। अच्छा, कुछ पुरानी भी होगी है इसलिए। और भाई हाईवे वगैरह पे? हाईवे वगैरह पे 12 से 13 की एवरेज निकाल लेती है डीजल में। अच्छा, तो भाई ये क्या हो गया यार इस गाड़ी में? ये यही जो मैं आपको बता रहा था कि उसका पैर लगा था यहाँ पे और जिसकी वजह से निकल के गिर गया। उसने कुछ ज्यादा ही जोर दे दिया था इस पे ना। अच्छा भाई, तो यार ये तो मतलब दुख तो यार बहुत हुआ यार गाड़ी में, मतलब इतनी महंगी गाड़ी और लोग बाग यार पता है इसलिए भाई अपने साइड ये इसमें पहले होल्ड करके रखना पड़ता था, अब तो वो है वन टच वन हो गया है। हाँ, अब तो होल्ड मतलब अब होल्ड में, पहले वन टच में हो जाती थी। हाँ, मतलब वर्किंग ऐप भी है। हाँ, ये वर्किंग वैसे तो थोड़ी सी दिक्कत दी है वैसे ही। हाँ, तो वैसे तो यार गाड़ी ठीक है। देखो भाई यहाँ से दिखा देते हैं, 130,000 चल रही है गाड़ी, भाई ने बताया था। और यार ये कैसे इसका क्या हिसाब रहता है? ये स्टॉक ही है ये पूरा ना। हाँ भाई, अभी तो ये भाई यहाँ से कंट्रोल, भाई इसके कंट्रोल्स वगैरह फिर कैसे? इसके कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे आते थे पहले ना, ये ऐसे यहाँ से कंट्रोल हो गया। अच्छा, ये जॉयस्टिक वैसे यार मजा आता है इस चीज में। ये भी ठीक है, मतलब अब तो क्या है कि आप ड्राइव कर रहे हो तो टच करना पड़ता है बार बार, तो शायद उसमें किसी किसी को इश्यू आए, पर ये तो ऐसा है आप एक हाथ से ड्राइव कर रहे हो, यहीं से आपने चेंज कर लिया अपने मोड्स वगैरह और गाने वगैरह जो भी आपको, यहीं पे सारी ये दे रखे नेविगेशन वगैरह। अच्छा, हर चीज के स्विच। स्पीकर वगैरह भाई कैसे हैं गाड़ी के? स्पीकर स्टॉक हैं, बहुत अच्छे हैं। और बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है भाई आपको? बिल्ड क्वालिटी तो भाई इसमें कोई नो डाउट की BMW की बिल्ड क्वालिटी कैसी हो सकती है यार, वो तो बात है इतनी महंगी गाड़ी है तो भाई बिल्ड क्वालिटी तो बनती है इसकी। और वैसे भाई आज तक कोई मेजर प्रॉब्लम आई है आपकी गाड़ी में? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। तो बस अब भाई को अगर कोई खरीदना चाहे तो भाई क्या कॉस्ट में बेचोगे? कॉस्ट अभी मेरे को तो इतना है नहीं, तो भाई से पूछ के या भाई ही लास्ट में वीडियो के लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में आपको बता देंगे। अच्छा, वो तो प्राइस कार की ना। तो चलो भाई, गाड़ी देखने में यार बिल्कुल मस्त भाई, कंफर्टेबल जो भाई कंफर्ट है ना इस गाड़ी में। हाँ यार, वो अच्छा मिलता है, मैंने बैठ के देखा, कंफर्ट प्लस स्पोर्ट। जैसे मतलब आपको गाड़ी भगानी है तो आपको ये नहीं लगेगा पावर लैग कहीं भी, एकदम कहीं पावर लैग हुआ हो, आपको कंफर्ट भी पूरा मिलेगा और जो पावर है वो भी पूरी मिलेगी एकदम। अच्छा भाई, ये हर जगह इसमें देखो तो भाई इसकी मटेरियल हाँ, भी है ये नहीं। हाँ भाई, ये देखो पियानो, मतलब अच्छे लग रहा है यार इंटीरियर। हाँ, देखने में। और उस टाइम भी देखो यार, स्टार्ट एंड स्टॉप इंजन बटन मिलता था भाई, ऑटोमेटिक ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। हाँ, ये भी है भाई, ड्यूअल जोन है। हाँ, एसी मतलब अच्छा, अब कैबिन स्पेस वगैरह सही मिल जाता है भाई इसमें भी। तो भाई उम्मीद है भाई आपको ओनरशिप रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर भाई लगाओ तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद।